तो आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में, जहां पर प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं। सीधे चलते हैं पीएम मोदी की पाठशाला में। हम छात्रों की छिपी क्षमता का आकलन कैसे कर सकते हैं? धन्यवाद महोदय। धन्यवाद जूली। महोदय, एक और प्रश्न इसी से मिलता जुलता है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, आयरिन डोमिनिक ऑफ क्लास 9th फ्रॉम कार्मल पब्लिक स्कूल केरला इज हियर with us and seeks your guidance. Irene, अपना प्रश्न पूछिए। Good afternoon, Honorable Prime Minister. I am Irene Dominic, studying in class 9 of Carmel Public School and I am from Kerala. My question is, we have to choose a right career. So, how will we realize our inner potential? Kindly guide us, sir. Thank you. Thank you, Irene. माननीय महोदय, जूली, अभिषेक और आयरिन अपनी प्रतिभा व जीवन लक्ष्य के विषय मार्गदर्शन चाहते हैं, कृपया कृतार्थ करें। सवाल बड़ा गंभीर सा है आपका, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है खुद को जानना। मुझे एक पुरानी घटना याद है। एक बार एक लायंस क्लब के लोगों ने मुझे स्पीच के लिए बुलाया था। ये करीब 40 साल पुरानी घटना होगी। और उन्होंने फिर चिट्ठिया ही जैसा उनका रहता है कि आप अपना परिचय भेजिए। तो उस कार्यक्रम में मैं वक्ता था और एक चार्टर्ड वो उस कार्यक्रम के अध्यक्ष थे। उनको भी चिट्ठी गई कि आप अपना परिचय भेजिए। तो उन्होंने कोई 10 पेज का अपना बायोडेटा भेजा था, उन्होंने कब काम किया। मुझे आया तो मैंने एक पोस्टकार्ड लिखा था कि आपने मेरे विषय में जानने के लिए कहा है, मैं खुद को जानने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए अभी कुछ बता नहीं पाऊँगा। और वहाँ मज़ा ये हुआ कि उनका परिचय पढ़ने में कोई 10 मिनट गया और मेरा परिचय पढ़ने में 10 सेकंड भी नहीं गया। ये बात सही है कि खुद को जानना बहुत कठिन होता है, लेकिन जानने का तरीका क्या हो सकता है? जानने का तरीका ये होता है कि अगर हम हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, प्रोटेक्टिव लाइफ में से बाहर आते हैं और खुद को कहीं ना कहीं चैलेंज मोड में ले जाते हैं, तब पता चलता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये करने की मेरी क्षमता या है या नहीं है। दूसरा, हम ये सोच सकते हैं कि एक सप्ताह भर के अंदर हम देखें, अगर हम थोड़ी डायरी अपनी बना दें कि इस सप्ताह में मेरे मन से कौन से काम किए, फिर देखें कि उसमें सबसे ज़्यादा आनंद आया वो काम कौन सा था, कम आनंद आया वो काम कौन सा था, अच्छा यार बेकार में मैं क्यों ये करने चला गया। आप अगर साल भर अपनी ऐसी डायरी मेंटेन करें तो आपको खुद को पता चलेगा कि मेरा एप्टीट्यूड ये है, मुझे ये अच्छा लगता है, इसको मैं ठीक से कर सकता हूँ और इसमें आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा अपने आप में, अब जैसे आज आपने देखा होगा कि आज हमारे, मैं डिपार्टमेंट के लोगों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने स्कूल के छात्रों को आज इस पूरे प्रोग्राम को संचालन करने का अवसर दिया और बहुत बढ़िया ढंग से कर रहे हैं। अब संभावना है कि आज के बाद उनमें से किसी को विचार आएगा ये काम मैं कर सकता हूं। टीचर उनके होंगे, उनको भी लगेगा अब जब भी स्कूल में फंक्शन होगा इनको खड़ा करेंगे। मतलब एक अवसर मिला, उसने अपने आप को तैयार किया, अब उसका आत्मविश्वास बन जाएगा कि मेरे अंदर ये टैलेंट है। होगा कि नहीं होगा? ये कार्यक्रम की पहले शायद उसने सोचा नहीं होगा कि मैं ये कर सकता हूं, लेकिन आज के बाद जरूर सोचेगा कि मैं ये भी कर सकता हूं। हो सकता है कि इसी को अपना प्रोफेशन बनाना तय करे, तो आप देखेंगे वो 500 चीजें पढ़ेगा, बड़े साहित्य की चीजों की नोट बनाएगा और सोचेगा कि मुझे इस प्रकार के फंक्शन में जाना है तो ये बोलना चाहिए, इस फंक्शन में जाना है तो ये बोलना चाहिए। ये तैयारी करेगा कि नहीं करेगा? मतलब उसने अपने सामर्थ्य को जाना कि नहीं जाना? आपके जीवन में भी
ऐसे कई अवसर आते होंगे जब आपको कभी न कभी मौका मिला होगा। अगर आपके उसमें सफलता का आपको फीलिंग आता है कि हाँ मैंने ठीक किया, तो आपने उसको नर्चर करना चाहिए, आपने उसको आगे बढ़ाना चाहिए। अगर ये आप करते हैं तो आप सरलता से कर पाएंगे, अपने आप को जान पाएंगे। दूसरा, कैरियर का अपना महत्व होता ही होता है। हर कोई न साधु बन सकता है न फकीर बन सकता है, हर एक को कुछ न कुछ जिम्मेवारियां संभालनी होती है। और कभी कभी उत्तम तरीके से जिम्मेवारियों को संभाल करके भी हम देश की उत्तम सेवा कर सकते हैं। और इसलिए जीवन में कैरियर का महत्व उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन चूंकि वो ये करता है इसलिए अच्छा है, चूंकि वो ऐसा करता है इसलिए अच्छा है, तो चलो मैं भी ये कर लूं, तो फिर निराश होने के अवसर बहुत आते हैं। लेकिन मेरे में ये ताकत है। अब आप देखिए, किसी माँ बाप में कोई बच्चा ये कहे, माँ मुझे खाना पकाना अच्छा लगता है, बेटा अगर किचन में चला जाए माँ कैसे पकाए, शुरू में तो माँ को अच्छा लगेगा, चलो मदद कर रहा है, बाद में माँ चौंक जाएगी, ये तेरा काम है क्या, जाओ पढ़ाई करो, तुमको किचन में एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन उसको मालूम है कि मेरे अंदर ये विधा है, और मानो ये बड़ी मेहनत करके बहुत बड़ा शेफ बन जाए, तो वही माँ कहेगी छोटा था ना मैंने तैयार किया था। कोई काम बुरा नहीं होता है जी, ये बात सही है। उस कालखंड के अपने साथियों को लगेगा क्या यार दो दो घंटे किचन में पड़ा रहता है, लेकिन हो सकता है ये छोटी सी रुचि भी उसके जीवन को बदलाव दे सकती है जी। और हो सकता है उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव हो तो एक अच्छा सेफ होगा, और फिर कि मैं सिर्फ बच्चों के न्यूट्रिशन पर ही काम करूंगा, बच्चों को क्या खाना चाहिए कैसे पकाना चाहिए वो बताइए, वो कितना बड़ा सोशल सर्विस करता हो जाएगा। एक कैसे कैसे राह से गुजर करके जिंदगी को जी सकता है। दूसरा, और एग्जाम देनी होती है, हिम्मत के साथ देनी चाहिए, एग्जाम का प्रेशर नहीं होना चाहिए, डरना ही नहीं चाहिए, खुद को कसते रहना चाहिए। जिंदगी में अगर एकाध एंट्रेंस टेस्ट में रह गए तो क्या हुआ, लाखों लोग देते हैं कुछ लोग रह जाएंगे, तो इतना बड़ा टेंशन रखने की जरूरत नहीं है। हमने डर के कारण पैर न रखे, इससे बुरा कोई अवस्था नहीं हो सकती है। हमारी मनस्थिति ऐसी होनी चाहिए कि हम किसी भी हालत में डगर आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। एक बार विफल होंगे तो उसमें से सीखेंगे, दूसरी बार करेंगे। ये मिजाज तो विद्यार्थी के जीवन में होना चाहिए। और विद्यार्थी काल का विषय नहीं है, 24 साल तक हो गया 25 साल तक हो गया विद्यार्थी ऐसा नहीं है, जीवन भर भीतर के विद्यार्थी परिषद को विद्यार्थी को जीवित रखना चाहिए। कभी भी 80 साल की उम्र में भी विद्यार्थी को कभी मरने नहीं देना चाहिए। जिंदगी जीने का यही उत्तम मार्ग है, नया नया सीखना, नया नया जानना, नया नया पहचानना। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी आपके मार्गदर्शन के लिए। खनिज संसाधनों से समृद्ध राज्य, मनोरम पर्यटन स्थल झारखंड से कक्षा 12वीं की निशा अग्रवाल अपना प्रश्न माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हैं। कुड वी हैव द क्वेश्चन प्लीज। कक्षा 12वीं संदन लाल स्मृति विद्या मंदिर घाटशिला झारखंड की छात्रा हूँ। मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से यह सवाल है कि बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, साथ ही साथ मैं UPSC, JEE और PMT जैसे एग्जाम्स के बारे में भी सोचती हूँ, लेकिन इन एग्जाम्स में कभी कभी सफलता नहीं भी मिलती है। कृपया इस बारे में हमारा मार्गदर्शन करें, धन्यवाद। धन्यवाद निशा। मान्यवर, आपका कोटि कोटि आभार कि आपने हमारे मन के अनेकानेक प्रश्नों एवं हमारी जिज्ञासा का समाधान किया। आप जैसे दूरदृष्टा प्रधानमंत्री को सुनकर जी ही नहीं भरता, फिर भी आपके अमूल्य समय को ध्यान में रखते हुए
परीक्षा पर चर्चा 2020 के अंतिम प्रश्न हेतु मैं आमंत्रित करता हूं पांच नदियों का प्रदेश गुरुओं की भूमि पंजाब के जीजीएससी मलुका भटिंडा से अरदीप 12वीं की छात्रा को जो माननीय प्रधानमंत्री जी से अपने प्रश्न का समाधान चाहती हैं। अरदीप अपना प्रश्न पूछिए। सत श्री अकाल सर, मैं अरदीप कौर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मलुका 12वीं कक्षा की छात्रा पंजाब से हूँ। सर मैं बोर्ड के एग्जामों में तो अच्छे अंक ला सकती हूँ, लेकिन सर जब बात कंपटीशन एग्जाम की आती है तो मैं चिंतित हो जाती हूँ, घबरा जाती हूँ। इस विषय में मैं आपसे सलाह लेना चाहती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अरदीप। महोदय, अरदीप व निशा की जिज्ञासा पर मार्गदर्शन करें। सत श्री अकाल। मेरा आप सबसे आग्रह है, इसलिए नहीं कि वो किताब मैंने लिखी है, लेकिन जिन्होंने ये सवाल पूछा है उनसे मैं ज़रूर आग्रह करूँगा कि हो सके तो इसी दो दिन में आप परीक्षा पर चर्चा एग्ज़ाम वॉरियर मेरी जो किताब है, एक्चुअली वो मेरी नहीं है, आप ही लोगों के द्वारा धीरे 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 पनपती जा रही है वो किताब, नए नए पहलू जुड़ जाते हैं, आप लोग उसको दो बार पढ़िए, आने वाले दो तीन दिन में दो बार पढ़िए, आपको कोई सवाल नहीं रहेगा कि 12th तक तो अच्छा करने के बावजूद भी आगे के एग्ज़ाम का तनाव रहता है। ये तनाव किस चीज़ का है? तनाव आपको माइन्यूटली, और मैं मानता हूँ जो 12th के बच्चे हैं उसको समझ सकते हैं बड़ी अच्छी तरह, ये तनाव एग्ज़ाम का नहीं है। जो तनाव आप अनुभव कर रहे हैं और जिसको आप एग्ज़ाम का तनाव कहते हैं, वो एग्ज़ाम का तनाव नहीं है। वो तनाव आपके अंदर एक मन में एक एम्बिशन पड़ा हुआ है, एक आकांक्षा पड़ी हुई है कि मुझे ये बनना है। उस बनने के लिए ये एग्ज़ाम मेरे लिए जीवन मरण का मुद्दा है। मैं विफल रहा या विफल रही तो आगे के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। आपको एग्जाम की सफलता का टेंशन नहीं है, आपने खुद को एक करियर के साथ जो आइडेंटिफाई कर दिया है, मुझे ये बनना है, बनने के लिए ये रास्ता है, इस रास्ते पर मैं नहीं पहुंच पाया तो मैं शायद जीवन में निकम्मा हो जाऊंगा, ये टेंशन है। अगर आप एग्जाम वॉरियर किताब पढ़ेंगे तो उसका बहुत सरल उसमें जवाब है कि आप, और मैं अपने जीवन के लिए हमेशा कहता हूं कि हम कभी भी बनने के सपने न पालें। बनने के सपनों में हर पल निराशा की संभावना रहती है कि हमने ये बनना चाहा, नहीं बन पाए तो जैसे जिंदगी विफल। लेकिन अगर कुछ करने के सपने देखें तो जो भी करेंगे उसे अच्छा करने का मन करेगा, और इसलिए जीवन को बनने के सपनों से जोड़ने के बजाय कुछ करने के सपनों से जोड़ना चाहिए। अगर कुछ करने के सपनों से जोड़ोगे, कुछ करने के सपनों से जोड़ोगे तो आपको कभी भी ये एग्जाम का प्रेशर नहीं रहेगा। ये सिर्फ एक खिड़की है, एक दरवाज़ा है जो आगे जाने के लिए रास्ता खोल रहा है, लेकिन आगे जाकर के एक ही रास्ता नहीं है, ढेर सारे रास्ते हैं, अनेक क्षेत्र हैं। पूरा विश्व मेरे सामर्थ्य को स्वीकार करने के लिए तैयार है। अगर ये मिजाज रहा तो मुझे विश्वास है कि आपको इसका तनाव कोई नहीं रहेगा। मैं फिर एक बार HRD मिनिस्ट्री का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं देश भर के स्कूलों का धन्यवाद करता हूं, विशेष करके सभी टीचर्स का धन्यवाद करता हूं, मैं सभी अभिभावक का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने लगातार इस परीक्षा पर चर्चा इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत बड़ी मदद की है।
इसको आगे बढ़ाया है और हिंदुस्तान के सभी राज्यों ने एक सकारात्मक भाव से इसको जोड़ा है। मैं आप सब भी जब यहाँ आए हैं, मेरे सामने एक नया भारत है मेरे सामने। हिंदुस्तान के हर कोने से आए हुए बच्चे यहाँ हैं। भारत आजादी की शताब्दी मनाएगा तब आप नेतृत्व आपके हाथ में होगा, ऐसे मेरे सामने लोग हैं। और अगर आज से 30-40 साल के बाद जब आप सफलता को चूमते होंगे और मैं अगर जीवित हूं और कहीं मिल जाऊंगा तो मैं बहुत गर्व से कहूंगा कि मुझे बहुत गर्व है कि मैं आज जो इस व्यवस्था का लीडरशिप दे रहे हैं, इस परिस्थितियों को बदलने के काम कर रहे हैं, इस लैब के अंदर नई नई चीज़ें दुनिया को दे रहा है, वो ये वो लोग हैं जिनको कभी 2020 में 20 जनवरी को मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला था। मैं गर्व अनुभव करूंगा कि आपके हाथ में जब देश का नेतृत्व होगा और मैं गर्व से कहूंगा हाँ यार मैंने बहुत पहले इनको कभी देखा था, मेरे जीवन का इससे बड़ा संतोष क्या हो सकता है। इसी संतोष और विश्वास के साथ, परीक्षा जिंदगी नहीं है, जिंदगी में परीक्षा एक मुकाम है, उससे अधिक प्रेशर न रखते हुए, और जब आज देश के लाखों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, करोड़ों बालक और दुनिया के भी कई बालक इंटरनेट के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, उन सब से मैं यही कहूंगा कि हम एक पूरे विश्वास के साथ आने वाला कल आपका है, आपके पुरुषार्थ और परिश्रम से आने वाला कल हिंदुस्तान का है, और उसी विश्वास के साथ हम सब आगे बढ़े। मेरी आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। आप में से बहुत से बालक हैं, ज्यादातर यही सवाल आपके मन में होंगे, लेकिन बहुत से बालक हैं जिनको शायद घर से निकले होंगे, तब तो टीवी इंटरव्यू भी दिया होगा कि हम पीएम को पूछने के लिए जा रहे हैं, हम ये सवाल पूछेंगे, लेकिन सबको मौका नहीं मिला होगा। मैं इसके लिए आपकी क्षमा मांगता हूं, क्योंकि समय सीमा के कारण शायद सबको अवसर नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन आपकी भावनाओं को समझता हूं, आपके सवालों को पढ़ता हूं और हर पल आपसे जुड़े करता रहता हूं, आगे बढ़ूंगा। इसी एक भाव के साथ फिर एक बार आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख पा रहे थे जिस तरीके की तस्वीरें दिखाई पड़ी, परीक्षा पर चर्चा लगातार प्रधानमंत्री मोदी बच्चों के साथ में कर रहे थे, संवाद उनका चल रहा था। और ये संवाद क्यों जरूरी है, इस बात को जाहिर करने की कोशिश हमेशा प्रधानमंत्री ने की है, फिर चाहे वो मन की बात कार्यक्रम के जरिए, रेडियो के जरिए संबोधित कर रहे हो पूरे देश को, या युवाओं को, या बच्चों को, या छात्रों को। और वही एक कोशिश रही है इस बार फिर से तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम के जरिए, कि बच्चे जो परीक्षा में जाते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि परीक्षा से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होते हैं परिणाम। दरअसल परीक्षा में तो आप बैठते हैं, अपना पेपर हल करते हैं और उसके बाद निकल आते हैं, लेकिन जब परीक्षा के परिणाम आने वाले होते हैं तो वो धड़कन, वो कैफियत जो बढ़ती है दिमाग की, वो ज्यादा चुनौतीपूर्ण होती है एक परीक्षार्थी के लिए, एक अभ्यर्थी के लिए। तो ऐसे में क्या कुछ जरूरतें हैं परीक्षार्थियों की, और क्या उनको संयमित कर सकता है, क्या उन्हें संतुलित कर सकता है, क्या उनके आत्मबल को और ज्यादा मजबूत कर सकता है, इसी बात को लेकर, इसी विषय को लेकर प्रधानमंत्री का संवाद हुआ है इन छात्रों के साथ में, कि आप शारीरिक रूप से सक्षम हैं, आप मानसिक रूप से भी सक्षम हो जाएं, इसलिए आपको बहुत ही सौम्यता के आधार पर चीजें करनी चाहिए, आप सोचें कम और अपने आप को घबराहट में कम लेकर जाएं, परीक्षा है, आगे भी जाना है। तो ये तस्वीरें आपने देखी, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करते हैं। दरअसल